तो ये जो व्लॉग है ये होटल रीजेंसी का फुल टूर का व्लॉग है। ये जो देख रहे हैं आप ये रत्नागिरी का जो बस स्टॉप है वो है, और ठीक इसके बाजू में जो है ये होटल रीजेंसी का आपको बोर्ड दिखेगा ऊपर, ठीक है। तो इसके अंदर अभी चलते हैं, चल के मैं आपको होटल रीजेंसी का फुल टूर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो है ये होटल रीजेंसी का रिसेप्शन है। अभी हम लोगों का एक्चुअली पूरा बुकिंग हो चुका है, तो हम लोगों को यहाँ पे जो है ये चाबी मिल गया है। यहाँ पे आप पूरा इंक्वायरी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है यहाँ पर इन लोगों का जो नाश्ता का है वो नाश्ते का अवेलेबल है, ये इनका ही खुद का है। यहाँ पे लंच भी मिलता है, डिनर भी मिलता है, लेकिन फ़िलहाल ये थोड़ा सा अंडर रेनोवेशन है, जिसके वजह से अभी जो मेन लंच और डिनर है वो थोड़ा बंद किया है। लेकिन घर में कभी भी आप रूम में कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो, यहाँ पर आके भी आप नाश्ता कर सकते हो। तो ये मेरा जो है ये रूम का चाबी है। अभी चलो मैं आपको पूरा रूम दिखाता हूँ। क्लीनलीनेस इज एट पास, ओके सॉर्ट ऑफ थिंग, मतलब थोड़ा सा डल दिखता है, लेकिन नॉट दैट बैड। नाउ द बेस्ट पार्ट इज ये हम लोगों का रूम है 102, ठीक है। एंड हियर यू सी द बस स्टैंड, ये बस स्टैंड है, ये लोग खड़े हैं बस स्टैंड में, देखिए। और ये जो है ये बस स्टैंड है। चलिए अभी थोड़ा रूम में घुस के आपको रूम दिखा देता हूँ कैसा है। एक हाथ से ताला खोल नहीं सकता, इसके लिए थोड़ा बंद करता हूँ। तो ये हम लोग अभी रूम में गए, रूम में घुसते से ही जो आपका है ये टॉयलेट बाथरूम है। लाइट जला तो लावाटे ओपन देखिए सब। तो ये जो है ये टॉयलेट बाथरूम है, बेसिन है, थोड़ा छोटा है, स्पेशियस नहीं है, लेकिन क्लीन है। ये मार्बल वार्बल का रखने का जगह है, उसको क्या बोलते हैं, वो इंटरनल पाइपिंग नहीं है, एक्सटर्नल ही है, ठीक है। वो उसमें भी लीकेज हो गया तो फटाफट हो जाता है। यहाँ पे गर्म पानी आता है, यहाँ पे ठंडा पानी आता है। गर्म पानी का टाइमिंग सुबह 7 से 10। ये हो गया आपका बाथरूम। और हम लोगों ने जो है वो 3 बेड का लिया है, और एक नीचे उन लोगों ने बोला गादी देंगे, गादी दे दिया उन्होंने एक्चुअली। तो यहाँ पे एक मिरर है, यहाँ पे एक ड्रॉर है बड़ा सा, और इसी के साथ नीचे 2 शेल्फ है, एक बड़ा सा टेबल है। ये हमारे रूम में यहाँ पे इंटरकॉम लगाया हुआ है, ये हमारे रूम का है, दूसरे रूम में भी ऐसा है कि नहीं एग्जैक्टली आई डोंट नो। अभी मैं आपको इस रूम का एक बहुत ही बेस्ट पार्ट दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो है गैलरी टाइप है, एंड दिस इज द बस स्टॉप, और वो जो है वो गणेश भोजनालय है, गणेश भुवन उपहार और भोजनालय, वहाँ पे हम लोगों ने खाया, और उसका एक अलग सा ब्लॉग आएगा। ये जो है पूरा मार्केट है बेसिकली। अगर आप लोगों को मेरा जो वीडियोस है वो सच्ची में यूज़फुल लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है और काम आता है, तो आप लोग बेसिकली एक द लीस्ट यू कैन डू इज सब्सक्राइब, शेयर और ज्वाइन कम्युनिटी। 29 रुपीज़ का है, छोटा सा है, और सुपर थैंक्स जो है 49 रुपीज़ का है, वो करके आप मेरे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें टोटल 12 रूम्स है, ठीक है। यहाँ पे ना उन्होंने बोला टोटल 12 रूम्स है, और हर एक का अलग अलग जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी वाइज भी अलग अलग रूम्स है, वो आप डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हो। इसका जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स और जो लोकेशन तो आपको समझ गया, फिर भी मैं दे देगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है मैं नीचे दे देता हूँ, ठीक है।
सो दिस इज़ अ नाइस प्लेस इन बजट, जो बजट है, जिन लोग का पास, जिनका बजट अच्छा खासा है, दे कैन थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा डल लगता है, गंदा नहीं है, इट इज़ क्लीन, लेकिन थोड़ा सा डल लगता है, लाइटिंग थोड़ा सा डल है. अदरवाइज़ जो लोग बजट फ्रेंडली ट्रैवलिंग कर रहे हैं और जिन लोगों को ऐसा थोड़ा सा रहने के लिए जगह चाहिए, दे कैन रियली कम ओवर हियर एंड स्टे, वेरी अफोर्डेबल. एसटी स्टैंड के द बेस्ट पार्ट इज एसटी स्टैंड के बाजू वाला बिल्डिंग है, तो आपको अगर मान लो कहीं जाना है, बस टाइमिंग्स उसका पक्का है, तो आपको बहुत दूर से आने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से जंप स्किप हॉप स्किप एंड जंप करके हो जाएगा. नाइस, ठीक है. तो उम्मीद करता हूँ ये जो हेरिटेज रेजिडेंसी का आपको ये जो होटल है, होटल का आपको ये जो ये है ब्लॉग है, अच्छा लगा है. ईश्वर से प्रार्थना है कि हम सबके जीवन में सुख और समृद्धि अपार बढ़ती रहे. टाटा, टिक टिक, लव यू गाइस एंड बाय बाय.